नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पर। गवर्नमेंट सेक्टर की सभी एग्जाम के और उनसे रिलेटेड हर वो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन की 86 में। आज मैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये रीजनिंग से है क्वेश्चन, कुछ चैप्टर है जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। ये हमारे बैंकिंग ही नहीं, एसएससी ही नहीं, रेलवे तक के एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एटलीस्ट आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता ही होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपका जो चैप्टर है वो 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन हल होगा, पर हाँ, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर कि आपके जो सारी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के, विद इन टेन सेकेंड ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पैटर्न में। तो कोडिंग डिकोडिंग जानने के लिए सबसे पहले तो हम जान लें कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, देखो जहाँ से कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है मैं बता दूँ आपको। कोडिंग डिकोडिंग होता है 3 तरह के, एक होता है आपका अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल यानी कि उसे कहते हैं अक्षर कूट लेखन, हिंदी कहते हैं उसका अक्षर कूट लेखन, अक्षर कूट लेखन, जी हाँ, ठीक है, अक्षर कूट लेखन। और एक होता है आपका नंबर, न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है प्रतिस्थापन कूट लेखन। प्रतिस्थापन बोले तो एक्सचेंज, मतलब मिक्स दोनों का, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों रहेंगे, यानी उसको मिक्स कह सकते हैं आप, या फिर इंटरचेंज कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, इसको कहते हैं संख्या कूट लेखन, जी हाँ, हिंदी कहते हैं इसका, और संख्या कूट लेखन, और इसको कहते हैं प्रतिस्थापन मिक्स, यानी कि इंटरचेंज क्या होता है कि दोनों का मिक्स होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कोडिंग डिकोडिंग का। हम कुछ इसमें आपको ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, या फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स याद दिला देता हूँ जो आपने पढ़े भी होंगे, और अभी तक नहीं जिनने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसे याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ट्रिक है कि सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ पोजीशन याद कर लेंगे, जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के एक चैप्टर में भी, एक वीडियो में आपको बताया था कि आप इसे याद जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाली चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी नंबरिंग याद कैसे करेंगे। 1 से 26 तक के तो ये वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, ABCDEFGH मैंने लिख रखा है जेड तक। ठीक है, अब देखो मैं इसकी पोजीशन कैसे याद रखूँगा, मुझे कैसे पता होगा कि सपोज मान लो जे का पोजीशन क्या होगा, क्यू का पोजीशन क्या होगा, नंबर ऑफ पोजीशन क्या होगा, टी का पोजीशन क्या होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने का। तो देखो, ए से लेकर ई तक मुझे पता है कि 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हर किसी को पता होता है कि ए से लेकर ई तक ये होता है। तो ये तो सिंपल है, ए से ई तक, यानी ए से लेकर ई तक होते हैं 1 2 5। ठीक है, अब देखो, F को कर दिया मैंने फिक्स पे 6। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर पे F। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री का नाम आपने सुना होगा GA में। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, तो इसको मैंने याद कर लिया ग्रुप ऑफ 7 से। ठीक है, वर्ल्ड लेवल
के जो ग्रुप है हमारे कंट्री भी है उसमें, ठीक है। तो G7, तो ये हमने याद कर लिया G7 से G को, G का पोजीशन हो गया 7। H8 यानी देखो H का जो हमारा फिगर होता है उसको अगर यहाँ से ऐसे मिला दे और यहाँ से ऐसे मिला दे तो ये इसका जो फिगर होता है वो जस्ट लाइक 8 होता है ना। तो इसको हम याद कर लिए फिगर से 8, ठीक है। I9 यानी I9, नौ को कहते हैं ना, नौ हिंदी में कहते हैं नौ, तो I9, I9 में नहीं मैं जानता हूं, तो I को कर दिया मैंने 9 पे, ठीक है। ये देखो फिर आ गया J एंड K, हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो मैं बता रहा हूँ पोजीशन कैसे याद किया जा सकता है। तो J एंड K यानी जम्मू एंड कश्मीर हो गए, जम्मू एंड कश्मीर हो गए 10-11 पे। 10-11 पर क्यों कह दिया मैंने कि जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, 10-11 गोलियां ऑब्वियसली चलती रहती हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को कर दिया 10 और 11, ठीक है। एल, अब आया एल का पोजिशन, तो एल फॉर लायन होता है, ठीक है, लायन होता है, और एल फॉर लायन हो गया, लायन को कर दिया मैंने 12 पे, 12 यानी कि 12, लायन को देखते ही उसके 12 बज गए, ठीक है, शेर को देखते ही उसके 12 बज गए, यानी एल हो गया ऑन द पोजिशन ऑफ 12 यानी कि 12, लाइन को देखते ही उसके पोजीशन हो गए, वो उसके चेहरे पे बज गए 12, ऐसा कह सकते हैं। तो 12 एल से लाइन को याद रखिएगा 12 पे पोजीशन पे। और चलिए एम, एम से हो गया मेरा और 13 यानी कि मेरा 13, एम हो गया ऑन 13, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, यहां से जो एम होता है, एम फॉर होता है मेरा, तो पोजीशन हो गया 13, ठीक है, ये याद हो गया। अब देखिए, अब इनके जो बाद के पोजीशंस हैं, मतलब जो नंबर अल्फाबेट्स हैं, उनके हम कैसे याद करेंगे पोजीशन। तो एम का जस्ट ऑपोजिट होता है एन, ये हमेशा रिमाइंड में रखिएगा, ठीक है, और हमेशा आपको फायदा करेगा ये चीज। तो एम का जस्ट ऑपोजिट होता है एन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इनके अपोजिट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, अपोजिट्स भी आपको इनके याद रखने हैं। तो एन के उल्टे हो गए, एम का अपोजिट हो गया एन, जो जो है 13 पे, तो ये हो गए 14 पे, ठीक है। चलिए अब आई बात की ओ की, तो मैंने ओ को रिलेट किया है यहां से ORS, बच्चों को पिलाते हैं ना ORS की घोल, ठीक है। तो ORS 15, 18, 19, मतलब जो ORS होता है वो 15 से लेके 18-19 साल के बच्चों को पिलाया जाता है, तो यहां से आपको ये याद रखना है ऐसे, ठीक है। ORS को हम याद रखेंगे कि जो ORS का घोल होता है वो 15 से लेकर 18-19 साल के लड़कों को पिलाया जाता है, याद हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा P और Q की, तो P से होता है हमारा प्रिंस और Q से होती है हमारी क्यून। तो 16 साल का प्रिंस ने 17 साल की क्यून से शादी किया, ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम ऐसे, पी फॉर प्रिंस, प्रिंस था जो 16 साल का था और उसने 17 साल की लड़की यानी क्यून से शादी किया, तो 16-17 ये हो गया हमारा इनका। चलिए एस और टी को आप याद रखिएगा एक और तरीके से, SS SC ST जो होते हैं उनमें 19-20 का फर्क होता है, SC ST जो होते हैं उनका 19-20 का फर्क होता है, तो S हो गया 19 और T हो गया हमारा 20, ठीक है, यहां से ऐसे याद रख लेंगे इसको। चलिए U, तो U हो गया ऑन द पोजिशन ऑफ 21, तो यू गिव मी अ किस, किस जो प्रोनाउंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, 21 के जैसा हो रहा है, तो यू गिव मी अ किस, देन योर पोजिशन इज 21 यानी यू हो गया 21 पे। भी हो गया 22 पे, क्यों, क्योंकि भी फॉर होता है, भी जो होता है प्रोनाउंस करने में जस्ट लाइक अ वी है ना, वी ऑन 22 यानी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये देखो ये 22 का जो पोजिशन है ना, हम दो हमारे दो, तो यानी कि वी, वी होता है हम, वी का मतलब होता है हम, तो हम दो हमारे दो, वी से पोजिशन ऐसे याद रखिएगा इसे, ठीक है। 23 का पोजिशन होता है डब्ल्यू का, क्योंकि डब्ल्यू जो होता है
तो W को हम कैसे याद रखेंगे, 23 पे होता है, तो W से होता है वर्क, वर्क नॉट प्रॉपर डन इन 23 आवर, मतलब कोई भी 23 घंटे काम नहीं कर सकता है, तो नहीं का क्रॉस साइन होता है, ठीक है, कोई भी 23 आवर काम नहीं कर सकता है, ना ही 24 घंटे, तो एक्स का पोजीशन हो गया 24, यहाँ से ये याद रखिए, एक्स का पोजीशन हो गया 24 और इसका पोजीशन हो गया 23, तो कोई भी 23 24 घंटे काम नहीं कर सकता, वर्क यानी W और एक्स यानी कि क्रॉस का साइन है यानी कि नहीं कहते हैं इसे, ठीक है, तो कोई भी 23 24 घंटे काम नहीं कर सकता, तो 23 और 24 इज द पोजिशन ऑफ W एंड X, ठीक है, एंड लास्टली Y इज 25 एंड Z इज 26, 25 26 हो गए हमारे कंप्लीट, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है दोस्त कि आप अपने कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को हम उनके पोजीशन कैसे याद रख सकते हैं, आप इसे देखिए अच्छे से, पूरे वीडियो को देखते रहिए और इसे याद करने की नहीं, इसे समझने की कोशिश करें कि हमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें बस पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका पोजीशन ये होगा, ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक देखता हूं जो आपको इसके अपोजिट्स याद रखने के मदद करेंगे, इसके अपोजिट्स कैसे याद रखेंगे वो भी बताता हूं। देखिए हम याद करेंगे कैसे इसके अपोजिट्स को, क्योंकि अपोजिट्स को याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं अगर याद होगा, नहीं आपको पता होगा, तो आप एग्जाम में इसे बहुत ही जल्दी नहीं कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला ना कि विद इन अ 10 सेकेंड आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर कोडिंग डिकोडिंग से आता है तो, अभी मैंने आपको बताया इसके पोजीशंस के बारे में, अब देखिए इसके अपोजिट्स कैसे याद करते हैं, ठीक है, तो देखिए ए से जेड, ठीक है, ए से जेड यानी ए का अपोजिट होता है जेड, तो आजाद, बॉय को पसंद है क्रैक्स और ड्यूक, ठीक है, तो ए से जेड हो गया आजाद, बी से बॉय यानी कि बॉय हो गए, बी से बी का उल्टा वाई, क्रैक्स पसंद है उसे यानी सी का उल्टा एक्स हो गया, ठीक है, ड्यू पसंद है उसे, ठीक है, तो ड्यू का हो गया डी डी से और डब्ल्यू से हो गया इसका अपोजिट डी ड्यू, और इवन, इवन कहते हैं ना कि इवन इसे ये पसंद है वो पसंद, तो इवन ई और वी हो गए हमारे अपोजिट्स ई और वी के, ठीक है, तो यहां तक तो आपको याद हो गया, ऐसे याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, आजाद बॉय को क्रैक्स और ड्यू पसंद, इवन ड्यू पसंद है, ठीक है, तो ए से उल्टा जेड, बी से उल्टा वाई, सी से उल्टा एक्स और डी से उल्टा डब्ल्यू और ई से उल्टा भी, ठीक है, आजाद बॉय को क्रैक्स एंड ड्यू पसंद है, इवन, अब यहां से देखिएगा शुरुआत कर रहे हैं, इवन उसे फुल स्पीड में जीटी रोड से हाई स्कूल जाता है, इवन फुल स्पीड से वो जीटी रोड के जरिए हाई स्कूल जाता है, तो यहां से आपको यहां तक कंप्लीट हो गया, देखो आजाद बॉय को क्रैक्स एंड ड्यू पसंद है, इवन वो फुल स्पीड से जीटी रोड से हाई स्कूल जाता है, तो फुल का हो गया यू, एफ का हो गया यू फुल में, जी से जीटी रोड, जी और टी हो गए, ठीक है, और हाई स्कूल यानी कि एच और एस हो गया, हाई स्कूल का फुल फॉर्म एच और एस होता है, और इंडियन रेलवे IR यानी इंडियन रेलवे कहते हैं ना कि IRCTC के बारे में पता, तो वहां से मैंने चुराया है IR यानी इंडियन रेल यानी I का अपोजिट हो गया R, ठीक है, यहां तक आपको कंप्लीट हो गया ना, अब देखो J उसके बाद आता है J, तो J का अपोजिट हो गया Q, क्योंकि जंगल की रानी, जे से जंगल और क्यू से रानी, क्यून से रानी, ठीक है, तो जंगल की रानी को कानपुर में लव हुआ एक आदमी से, ठीक है, जंगल की रानी को कानपुर में लव हुआ एक आदमी से, तो देखो कानपुर यानी के का उल्टा हो गया पी, कानपुर, ठीक है, कानपुर, ठीक है, एलओ से हो गया लव, एलओ से हो गया लव, और MN से हो गया मैन, यानी जंगल की रानी को कानपुर में लव हो गया मैन से, तो आपका जो एक याद करने का पैटर्न बन गया ना, तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, क्या कि आजाद बुआ को क्रैक्स एंड ड्यू पसंद है, इवन उसे फुल स्पीड में जीटी रोड से हाई स्कूल जाना पसंद है, ठीक है, यहां तक तो हो गया, इंडियन रेल को एक IR आप मान लो, सिर्फ इंडियन IR से यानी इंडियन रेल, उसके बाद
जंगल की रानी को कानपुर में लव हो गया एक मैन से, तो ये इसका एक ट्रिक हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे ना, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जल्दी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा कम समय में बनेगा, ठीक है। तो हम आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कोडिंग से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर जो अल्फाबेटिकल कोडिंग होता है ना, उससे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट को, उसके बाद पढ़ेंगे हम मिक्स वाले पार्ट को, यानी कि ये वीडियो जो है टोटल 3 पार्ट में बनेगा। तो मैं आपको ये पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इसके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि मूरल MORAL को डिनोट किया है इनने NPSBMF, ठीक है। तो चार्ज जो है यानी CHARGE, ये चार्ज जो है इसे इसका जो कोडिंग होगा वो क्या होगा। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पोजीशंस के बारे में, नंबर ऑफ पोजीशंस क्या होते हैं अल्फाबेट्स के, ठीक है। तो आप वहां से देखिए कि एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद आता है एन, लिख दिया इनने यहाँ पे। ओ के बाद आता है आपका पी, तो यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिखा। तो इसका मैं रूल नहीं, इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखते से पता चल रहा है कि यहाँ पे एम के बाद आएगा एन, ओ के बाद आएगा पी, सेम एज इट इज ये प्रोसेस चल रहा है आपके लास्ट तक, यानी कि ओ के बाद पी, आर के बाद एस, ए के बाद आता है बी, और एल के बाद आता है एम, और ई के बाद आता है एफ। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी के बाद आएगा डी, एच के बाद आएगा आई, ए के बाद आएगा बी, आर के बाद आएगा एस, जी के बाद आएगा एच, और ई के बाद आएगा एफ। तो देखो क्योंकि ए बी सी के बाद आएगा डी, और एच के बाद आएगा आई, फिर ए के बाद आएगा बी, फिर आर के बाद आएगा एस, और जी के बाद आएगा एच, और ई के बाद आएगा एफ। तो योर आंसर इज दिस वन, DIBSHF, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखा कितना इजी से बन गया, क्यों इजी से बन गया, क्योंकि आपने अल्फाबेट्स के नंबर ऑफ पोजीशंस जाने थे और उसकी कंटिन्यूटी जाने थे कि मतलब उसके बाद क्या आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अपोजिट टर्म से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है अपोजिट का। तो देखो कोडिंग को इसने डिनोट किया है XLWRMT से, तो बताना है हमें कि ये जो क्विक क्विक्स है इसका कोडिंग क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं XLWRMT। तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये जो आ रहा है इसका, ये सब अपोजिट्स हैं। आपको ध्यान देना होगा, आपको पकड़ना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो आप रीजनिंग ऐसी चीज है जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हमने अपोजिट्स पढ़े थे, तो सी का होता है क्रैक्स, क्रैक्स होता है ना आजाद बॉय क्रैक्स, तो क्रैक्स में सी तो उसका आ गया एक्स, ठीक है। ओ तो लाइन में आता था ओ, ठीक है, लाइन में आता था, या फिर लव में आता था ओ, ठीक है, लव, तो एल का हो गया उल्टा ओ। डीयू में आता था DW, तो DW सही है। और आई क्या, आर इंडियन रेलवे मैंने बताया, एम एन यानी कि मैन, ठीक है, जी टी यानी GT रोड। ऐसे करके आपको कोडिंग तो याद रखनी पड़ेगी, आपका उसका अपोजिट्स तो याद करना ही होंगे, ठीक है, तभी आप जाके किसी भी कोडिंग का अपोजिट्स लिख सकते हो। यहाँ पे ये इसका अपोजिट्स है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आपका क्विरिक्स, इसका अपोजिट लिख देना है सिर्फ। तो जो क्यू का अपोजिट होगा वो होगा जे, ठीक है, यू का जो अपोजिट होगा वो होगा भी, ठीक है। देखो यू का अपोजिट क्या होगा, सॉरी एफ, एफ क्योंकि FUL फुल होता है, ठीक है। और आई का हो गया आपका
क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आई से आर, या फिर आर से हो जाएगा आई, क्योंकि अपोजिट का अपोजिट अपोजिट ही होता है, ठीक है। तो के का हो जाएगा आपका पी, यानी कानपुर वाला पी, ठीक है। और एस यानी कि हो जाएगा आपका एच, हाई स्कूल वाला, हाई स्कूल वाला एच एस, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये, ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन देखा मैंने कि जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं या फिर नंबर ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो फॉलो कर रहा, और एक क्वेश्चन को फॉलो किया जो ये अपोजिट्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आंसर दो क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन मैं और लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग है वो, और जो मिक्स कोडिंग डिकोडिंग है वो दोनों के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और इससे भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं ऑल वीडियो के आपको ऑल टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।